हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून, सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून के विद्यार्थियों का सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। और विद्यार्थी गण, आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं कब लगती हैं और मात्राएं लगने से क्या परिवर्तन होते हैं व्यंजन में, मात्राओं की जरूरत हिंदी में क्यों हुई, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के थ्रू समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को एंड तक देखें और इसे अच्छी तरह से समझें। तो आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं, मात्राएं। क्या सिखाएंगे बच्चों, मात्राएं। बच्चों, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। मात्रा किसके साथ में जुड़ती है, हमेशा व्यंजन के साथ, स्वर के साथ कभी मात्रा नहीं जोड़ते। मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं। मात्रा हमेशा किस पे लगाई जाती है बच्चों, व्यंजन के साथ। स्वर और व्यंजनों के आपस से मिलने से इनका रूप बदल जाता है, ये बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन के बाद स्वर का जो सिन लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, तो व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा। इस लाइन को अपनी कॉपी में जरूर लिखें, व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, मात्रा। व्यंजन के बाद जब स्वर लगता है, स्वर जुड़ता है, तो हम उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा। व्यंजन के बाद जो स्वर का जो चिन्ह होता है उसको मात्रा कहा जाता है। स्वर अपने स्वतंत्र रूप के साथ मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। आइए स्वरों की मात्राएं जानें। अ, स्वर है हमारा अ, स्वर की मात्रा कुछ नहीं, व्यंजन मात्रा के साथ क शब्द बना है, कब। स्वर हमारा है आ और यह है आ की मात्रा। किसकी मात्रा है, आ की, वन स्टैंड लाइन। किसकी मात्रा है, आ की। क प्लस आ हो गया का, क्या हो गया, का। और शब्द बना अपना काल। यह है छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा है बच्चों, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का फेस लुक इस साइड में होगा, छोटी ई की मात्रा है, यह हमारी छोटी ई की मात्रा। क प्लस ई क्या हो गया, की, क्या हो गया, की ताब, क्या हो गया, की ताब। यह है बड़ी ई की मात्रा। क प्लस ई इजिकल टू बड़ी की और हो गया की ल, क्या बन गया, कीला। उ, यह है छोटा उ की मात्रा। किसकी मात्रा है, छोटा उ की। क प्लस उ कुता, कुत्ता। यह है बड़ा उ की मात्रा। क प्लस उ कूला। री कृपा, री प्लस पा कृपा। यह है हमारे आई की मात्रा। क प्लस ए के ला, क प्लस ए केला। यह है ए आई, क प्लस आई काई लाश, काई लाश। यह है ओ की मात्रा, ये थी ए आई, अब है ओ। क प्लस ओ कोयल, क प्लस ओ क्या बनेगा, कोयल। ये है आओ, क प्लस आओ कोआ, क प्लस आओ कोआ। ये किसकी मात्रा है बच्चों, आओ की, क्या हो गया, कोआ। किसकी है, आओ की, तो हमारा क्या बनेगा, कोआ, क्या बनेगा, कोआ। इस प्रकार से बच्चों हमने मात्राओं का ज्ञान सीखा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, पहले से हर सब व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है। आ की मात्रा, ये है आपके आ की मात्रा। ये किसकी मात्रा है, आ की। किसकी मात्रा है, आ की, लिखिए। ओके,
फिर ये किसकी हैं? ऊ की। ऊ की ये मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की ये मात्रा है, आई की दो मात्रा, ओ की एक लाइन मात्रा और औ की एक लाइन और दो मात्रा। तो बच्चों ये है आ ई ई ऊ री आई आई ओ आओ, ये क्या है हमारे मात्रा। और ये देखिए इसमें क प्लस अ का, क प्लस ई छोटी की, क प्लस बड़ी बड़ी की, क प्लस उ छोटा कु, क प्लस बड़ा उ बड़ा कु, क प्लस री क्री, क प्लस ए के, क प्लस आई काई, क प्लस ओ को, क प्लस औ काउ। ये बना हमारे शब्द कब काल, किताब कील, कुत्ता कुल, कृपा केला, कैलाश कोयल और कोआ और कोआ। लिखिए बनो ये सारा चैप्टर, ये सारा जो टेबल्स हैं चार्ट है ये सारे विद्यार्थी अपनी कॉपी में बनाएंगे। बनाइए बच्चों सारा चार्ट अपनी कॉपी में बनाइए और फिर इसको याद कीजिए, फिर इसको याद कीजिए लर्न कीजिए, तब आपको मात्राओं का अच्छा नॉलेज होगा। विशेष अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ शब्द मिला हुआ होता है। र में उ या बड़ा उ की मात्रा ऊपर या नीचे नहीं लगती बल्कि यह बीच में लगती हैं। र में उ या बड़ा उ की मात्रा ऊपर या नीचे नहीं लगती हैं, हमेशा कहाँ लगेगी? बीच में। कहाँ लगेगी बच्चों? बीच में। अंग अनुस्वार और अहविषक न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। अंग अनुस्वार और अहविषक ये न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं, इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं। अनुस्वार बंदर हंस पंखा, अनुनासिक दांत चांद उंगुली, विषग प्रातः छे नम। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अनुस्वार और विषर्ग न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं, इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं, इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। लिखिए बच्चों कॉपी में लिखिए अपनी अच्छी तरह से। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? मात्राएं, व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे क्या बोलते हैं? मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं, आ की ये देखिए मात्रा, ई की ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटा उ की मात्रा, ये बड़ा उ की मात्रा, ये रिस से रिक की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये बड़ी आई की मात्रा, ये ओ और ये आओ, ये क प्लस अ कब, क प्लस आ काल,
क प्लस ई किताब, क प्लस बड़ी कील, कु प्लस छोटा उ कुत्ता, कु प्लस उ बड़ा उ कूल, क प्लस री क्री, क प्लस ए कई, क प्लस आई काई, क प्लस ओ को, क प्लस औ कऊ। तो ये देखें, क का की कू क्री के काई को कहू, और लास्ट में क्या आते हैं, कंग और कह। ओके, जो अनुस्वार और अनुनासिक से मिलके बनते हैं, और ये हमने शब्द भी लिखे। लिखिए बच्चों, देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। र में उ न तो ऊपर लगता है न नीचे लगता है, ये हमेशा बीच में लगता है। अंग अनुस्वार और अह विषयक है, ये न तो स्वर है न ही व्यंजन, इन्हें अयोग्य वाक्य कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों के तो बाद में आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। ओके, अनुस्वार कहाँ लगता है, बंदर पे, हंस पे, पंखा पे। अनुनासिक दांत पे, चांद पे, उंगुली पे। विषयक प्रातः, चे और नमः। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं बच्चों, तो व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अनुस्वार और विषयक न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं, इन्हें अयोग्यवाहा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, अयोग्यवाहा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइन में सारे शब्द, वर्ण, मात्राएं, इनको व्यवस्थित ढंग से लिखो और इनको याद करो। जितने स्वर और मात्राएं आपने सीखे हैं वो सारे आप लर्न कीजिए, इनको याद करके इनको व्यवस्थित ढंग से कॉपी में लिखिए। और डेली जो वीडियोस देखते हो उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के थ्रू जो आपको वर्क मिलता है, काम मिलता है, उस काम को जो है कंप्लीट जरूर करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, और घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, कार्य पूरा कीजिए। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की कॉपी चेक करें और उनको ये समझाए कि किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से काम करना है, उनको पेंसिल से काम करने को सलाह दे और अच्छी तरह से काम करें। पेरेंट्स बच्चों का काम चेक करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी।